Hey guys, welcome back to another vlog. तो guys कैसे हैं आप? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तो हम आपका इस न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं, दिल से शुक्रिया करते हैं. लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब बटन को मुक्का पटाख से मार दो, वो बज जाना चाहिए और आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाएगी. तो चलते हैं व्लॉग की तरफ. भाई लोग पता नहीं चल रहा कि ये ट्रेन यहाँ पे क्यों रुकी है. रुक भाई पूछते हैं, हाँ भाई क्या मसला है, यहाँ पे ट्रेन एक आती है रुक जाती है क्या? भाई यहाँ पे ट्रेनों का हमला हो चुका है, ये कब्जा करने के लिए आई है. अच्छा नहीं तो मतलब इसका मतलब मकसद क्या है यहाँ पे? कुछ खराबी है कुछ क्या? कुछ खराबी वगैरह आगे आ चुकी है, इसीलिए ट्रेनें रुक चुकी है. भाई फायदा आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भाई मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. चल भाई आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ट्रेनें रुक चुकी हैं. एक सामने भी ट्रेन आ रही है, इस साइड भी लंबी लंबी ट्रेन है. कोई समझ नहीं आ रहा. ये भाई रऊफ भी फुल एंजॉय कर रहा है ट्रेनों का, पता नहीं क्या गाड़ी करा रहा है, इसको बच्चा बन गया बिल्कुल. गाइस देख सकते हैं आप कितनी ट्रेनें यहाँ पे रुकी पड़ी हुई हैं. ये रऊफ भाई एंड इसके साथ फैज भी मौजूद है. गाइस जब हम बचपन से बड़े हुए हैं, 18 साल की उम्र हो चुकी है आप लोगों की, शायद हम लोगों को अभी तक ये पता नहीं चला डब्बों में आकर होता क्या है. तो हम आपको यहाँ से चढ़कर दिखाएंगे इन डब्बों में आकर होता क्या है. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. रो भाई आप चढ़ेंगे? मैं चढ़ूं? मैं नहीं चढ़ूंगा, टूट जाएगा. ये बात सही कर रहा है, मैं आपको जैसे चढ़ के दिखाता हूँ. ये देख सकते हैं आप पूरा डब्बा खाली है, शायद इसमें पत्थर वगैरह भर के लेके आते हैं. अरे कहना क्या चाहते हो? ये पूरा डब्बा है, ये देखो. निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल. उस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं हमारे पास, इधर भी बड़ी बड़ी ट्रेन है, अब उधर से कौन जाए. तो इसलिए आपको रऊफ भाई नीचे जाके दिखाएगा. चलो भाई, भाई। माशाल्लाह भाई मैं नहीं जा रहा. जा बे, चलो आपको फर्स्ट जाके दिखाएगा, देखना ये हमारा हीरो भाई है. मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? वाह भाई वाह. हाँ तो अभी अजीज भाई जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं जाने की. ये देखें आप, आप करो भाई चढ़ के दिखाएगा. माशाल्लाह लागे ट्रेन वाले. वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तालियां 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 बजा. तो आज भाई हम बाजार की ओर जाते हुए और रऊफ भाई के जो कि हमें चीज लगा बहुत भूख लगी है, हम बहुत सफर किया है. भाई आपको जो चीज लेनी है वो लो. कंट्रोल कंट्रोल. भाई आज हमें आपको क्या खिलाएं, मतलब क्या खिलाने का? जो खाओ सिर्फ खाओ, 60 वाली 70 वाली जो खाना है भाई, ये बस आप जो भी खिलाएं 10 रुपए की खिलाएं वही हमारे लिए काफी है. गजब बेइज्जती है. हाँ बस यार चलो आ जाओ. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. पैसे कितने हैं भाई आपके पास? भाई पैसे एक सेकंड. माशाल्लाह 20,000 रुपए हैं क्या आपके पास? बड़े हरामी हो बेटा. चलो क्या मिल रहा है इसमें देखते हैं. क्या खिलाएगा? मैं ले रहा हूं ये 10 रुपए बच्चों वाली. हां ये बच्चों वाली फ्रेंड खिला दे. रुपए के बन गए, चलो एक ही ले लेते हैं. The next day. तो ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे, धमाल की बैटिंग थी जो कि ये बैटिंग एंड बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, इसमें भी साथ हैं. ये कुत्ती का बच्चा है, ये कुत्ती का बच्चा है. क्या नहीं बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज खेलने का बड़ा. ये बाबा दो मैच जीत कर गए. ये बाबा आजम है, कौन है तू? बाबर आजम कार ड्राइव का मास्टर. चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए. तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो. ये बाबर आजम और ये शादाब खान. शादाब खान
मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो। सुमेर, One hour later. है भाई, तो क्रिकेट खेलने के बाद जो हमारा सीन था, तो बाल हमारे जो बड़े हो गए थे वो कटवाने थे, तो ये सारा सनान भी मेरे साथ है, सुमेर, समी, और ये भाई इतने नवाब हैं, ये घर में बाल कटवाते हैं। तुम बाल कटाए हो चीजें? ये पौन और मैं, ये बारी बारी का, ये सब बाल कटवाएंगे, इसके बाद मैं आऊंगा। तू कौन सी कटिंग करवाएगा? मैं तो भाई समी है। ये बाबर आजम जैसी कटिंग करवाएगा? कटू बटू कौन? हां तू बाबर आजम है। कटू बटू कौन है? अरे कटू कौन है? गदे स्टाइल आज, गदे स्टाइल।